बीएसएनएल अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीएसएनएल आज 50 से अधिक प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहा है और वायरलाइन और वायरलेस सेवाओं में अखिल भारतीय उपस्थिति रखने वाली एकमात्र दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी है। सेवाओं की श्रेणी में कॉपर वायर लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सेवाएं, ऑप्टिकल फाइबर बेस FTTH हाई स्पीड इंटरनेट और वॉइस सेवाएं, लीज्ड सर्किट, MPLS, VPN, IDC सेवा, मोबाइल सेवाएं आदि शामिल है। साथ ही BSNL एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो स्वदेशी 4G सेवाएं आसानी से 5G और 6G तकनीक तक विस्तार योग्य प्रदान करेगी। महाप्रबंधक यश पहनेकर DGM PT गणवीर ने बताया कि BSNL नागपुर ने पिछले कुछ वर्षों में अद्भुत काम किया है और महाराष्ट्र की लाभदायी इकाई है। अपने एंटरप्राइज बिजनेस 27 करोड़ तक के राजस्व FTTH व्यवसाय पिछले दो वर्षों में 1500 कनेक्शन से बढ़कर 15,000 से अधिक कनेक्शन के साथ 17 करोड़ के राजस्व और मोबाइल सेवाओं से करोड़ों का राजस्व अर्जित किया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफी लंबे अंतराल के बाद मुझे लगता है कि BSNL के प्रांगण में कोई इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। नमस्कार, मैं यश पहनेकर, महाप्रबंधक BSNL नागपुर। सबसे पहले मैं आपको आने वाले 1 अक्टूबर में BSNL के 22वें वर्धापन दिवस, जो स्थापना दिवस हम कहते हैं, उस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर 2000 को BSNL की स्थापना हुई थी। पहले भारत सरकार का एक विशेष डिपार्टमेंट था, उसमें से अलग निकाल कर ये एक PSU बनाया गया। भारत में दूरसंचार क्षेत्र में केवल 2 ही PSU हैं, एक BSNL और MTNL, लेकिन समय के साथ साथ अब दोनों को भी एकत्रित किया जा रहा है। 22 साल के लंबे अंतराल के बावजूद BSNL कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लगातार आगे बढ़ रहा है। ये बात सच है कि कस्टमर डिमांड के बाद BSNL की जो मूलभूत सर्विस थी, लैंडलाइन सर्विस, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर अपने फाइबर कनेक्शन बढ़ाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अलग दूसरे दूसरे गवर्नमेंट ने जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स BSNL को आवंटित किए हैं, अलॉट किए हैं, उनका एग्जीक्यूशन करके BSNL ने लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश की है। एक विशिष्ट बात पे मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी दूरसंचार सेवाएं जब हम लेते हैं तो उसमें पारदर्शिता और विश्वसनीयता ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दूरसंचार सेवाएं अब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। सेवाओं का किफ़ायती होना, उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस होना, ये तो बहुत आवश्यक है, लेकिन पारदर्शिता और उसका विश्वसनीयता होना, ये BSNL का मैं कह सकता हूँ कि USP है। और इसके साथ साथ ही जो आने वाले समय में 4G सर्विसेज BSNL के लॉन्च की जाएगी, भारत सरकार ने BSNL को एक स्ट्रैटेजिक PSU के तौर पर मान्यता दी है और भारत सरकार की सारी योजनाओं को BSNL के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने का प्रण किया है। इसका महत्वपूर्ण यह अंग ये है कि ये सर्विसेज देते हुए जितने भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कॉम्पोनेंट्स होंगे, ये मेक इन इंडिया होंगे। इसके माध्यम से न केवल पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी ग्राहकों के बीच में, बल्कि साथ ही साथ पूरे देश में इस प्रोडक्शन एप्लीकेशंस, उससे संबंधित सर्विसेज देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि BSNL का भारतीय मार्केट में रहना बहुत आवश्यक है, जिससे इन दूरसंचार सेवाओं का हम काफ़ी अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। सर्विसेस फिलहाल भी BSNL के एक्टिव हैं। अगर मैं नागपुर ज़िले की बात करूं तो पूरे मौदा तहसील में 4G सर्विसेज दी जा रही हैं। मौदा में कोई 3G सर्विस नहीं है, पूरा मौदा 4G में है। पूरा भंडारा ज़िला 4G सर्विसेज में है। नागपुर के भी कुछ एरियाज़ में, जैसे हजारीपाड़, काटोल रोड एरिया वगैरह में 4G सर्विसेज दी जा रही हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मेकशिफ्ट है। मेकशिफ्ट मतलब सारी सर्विसेज उसी प्रकार हैं, लेकिन वो सर्विसेज देने के लिए जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो फिलहाल BSNL के पास नहीं है। गवर्नमेंट ने वो स्पेक्ट्रम अब BSNL को अलॉट कर दिया है और BSNL को ये डायरेक्शन भी दी है कि पूरे भारत भर में आपको अब 4G सेवाएं लानी है, जिसके लिए TCS BSNL का चैनल पार्टनर बना है। ये सेवाएं, इसका इक्विपमेंट जो है, वो दिसंबर महीने से इसी वर्ष शुरू होने की संभावना है और हमें उम्मीद कर सकते हैं कि फेज़ वाइज लगभग 1.5 से 2 साल के अंतराल में पूरे भारत भर में, शहर के साथ साथ ग्रामीण भागों में भी BSNL की 4G सेवाएं आ जाएगी। सर, बाकी प्राइवेट सर्विसेज के मुकाबले तो कमी है, ऐसा मैं नहीं मानता। मतलब BSNL के ऊपर ग्राहकों का अभी भी भरोसा है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले लगभग 8-10 सालों से BSNL में जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था, जितना कैपिटल इन्फ्यूजमेंट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं था। वो अभी पिछले 1 साल से शुरू हो गया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जैसे वॉइस से लेकर डाटा की तरफ हम माइग्रेट हुए हैं, तो BSNL का जो बैकएंड का इक्विपमेंट है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे ग्राहकों को अधिक बैंडविड्थ देने के लिए इक्विपमेंट लगाने थे,
वो BSNL खरीद नहीं पा रहा था, लेकिन उसके सब ऑर्डर अभी प्लेस हो गए हैं। आने वाले 3 से 4 महीने में हम अपेक्षा रख सकते हैं कि BSNL का पूरा नेटवर्क इम्प्रूव हो जाएगा और ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने में BSNL सक्षम रहेगा। नागपुर जिले में नए 150 मोबाइल BTS टावर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिनमें 35 BTS टावर को 4G प्रौद्योगिकी में अपग्रेड किया गया है। HN टिपरे समीर खरे उपस्थित थे। कैमरा पर्सन सुभाष भूटले के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।